हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत का आगाज़ इस तरह फरमाते कि पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर अपने दाएं हाथ के साथ अपने बाएं हाथ पर पानी डालते, अपनी शर्मगाह धोते, फिर वजू करते, फिर पानी लेते और अपनी उंगलियों को बालों की जड़ों में दाखिल कर लेते, फिर अपने सर पर तीन चुल्लू पानी डालते, फिर अपने सारे जिस्म पर बहा देते, फिर आखिर में अपने पाँव धोते। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है, ये लफ्ज़ मुस्लिम के हैं। गुस्ल से पहले वजू करना मुस्तहब है, इल्ला ये कि कदमों को आखिर में धोना चाहिए। बाज़ अहले इल्म का कहना है कि अगर गुस्ल की जगह साफ़ सुथरी हो तो फिर कदमों को आखिर में धोना ज़रूरी नहीं, बल्कि कदम वजू के साथ पहले भी धोए जा सकते हैं। गुस्ल की इब्तिदा दाएं तरफ से करनी चाहिए, क्योंकि हज़रत आयशा बयान करती हैं कि आपने अपने सर के दाएं हिस्से को पहले धोना शुरू किया, फिर बाएं को शुरू किया। कि मर्द और औरत के गुस्ल जनाबत में कोई फ़र्क नहीं। सऊदी मुस्तकिल फतवा कमेटी ने यह फतवा दिया है कि गुस्ल जनाबत के तरीक़े में मर्द और औरत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं और ना ही इन दोनों में से किसी एक यानी औरत के लिए ये ज़रूरी है कि वह धोने के लिए अपने बाल खोले, बल्कि इतना ही काफ़ी है कि वह अपने सर पर पानी के तीन चुल्लू डाल ले, फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहा ले। हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं अपने सर के बालों को बांध लेती हूँ तो क्या मैं गुस्ल जनाबत के लिए उन्हें खोलूँ? और एक रिवायत में गुस्ल हैज़ का जिक्र किया है। आपने फरमाया, नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि तुम अपने सर पर तीन चुल्लू पानी डाल लो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस से मालूम होता है कि औरत ने अगर बालों को मेंढियों की सूरत में बांधा हो तो गुस्ल जनाबत या गुस्ल हैज़ के लिए इन्हें खोलना ज़रूरी नहीं। लेकिन एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह से गुस्ल हैज़ के लिए मेंढियाँ खोलने का हुक्म मनकूल। इमाम सनानी ने मुतारिद रिवायात को यूं तत्बीक दी है कि गुस्ल हैज़ के लिए मेंढियाँ खोलना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। हाफिज़ इब्ने हजर फरमाते हैं कि जिस हदीस में मेंढियाँ खोलने का हुक्म दिया गया उसका ज़ाहिर तो वजूब पर ही दलालत करता। रिवायत से पता चलता है कि गुस्ल जनाबत के दौरान जिस्म के हर हिस्से को, हत्ता के बाल बराबर जगह को भी खूब अच्छी तरह धोना ज़रूरी। ये रिवायत तो ज़ईफ है, लेकिन एक दूसरी रिवायत में कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने जनाबत की वजह से गुस्ल करते हुए एक बाल बराबर जगह भी बगैर धोए छोड़ दी तो उसके साथ आग उसे इस तरह और इस तरह किया जाएगा, आग से इस तरह और इस तरह किया जाएगा, यानी उसे रोज़े महशर सज़ा दी जाएगी। अगर ये रिवायत सही हो तो इस बात की दलील है कि गुस्ल जनाबत करते हुए मुकम्मल बदन को अच्छी तरह धोना ज़रूरी। वल्लाहु आलम। गुस्ल जनाबत के दौरान कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना वाजिब है या सुन्नत, इसमें भी अहले इल्म के माबैन इख्तिलाफ़ है। हनफिया और हनाबिला ने कहा है कि ये दोनों अमल वाजिब हैं, जबकि मालकिया और शाफिया ने कहा है कि यह मसनून है। वजूब का कौल ही राजे है।